हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला रेड वर्सेस ग्रीन, यानी कि स्पाइडरमैन स्टेशनरी टॉयज वर्सेस बेन 10 स्टेशनरी टॉयज। तो बहुत मजा आने वाला है गाइस, और मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि कौन सा विनर है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर डिसाइड करोगे कि स्पाइडरमैन विनर है या फिर बेन 10 विनर है, ये चीज आप लोग डिसाइड करोगे। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। तो शुरुआत कर देते हैं गाइस। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्पाइडरमैन से और देखते हैं, उसके बाद हम फिर एंड में हम खत्म करेंगे बेन 10 पे, देखते हैं कौन विनर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पाइडरमैन का जंबो ज्योमेट्री बॉक्स। ये देखो कितने बड़े साइज का है ना, कितना मस्त है गाइज। ये देखो कितना ह्यूज है। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये जो है ना ब्लैक वाला, ये विलेन स्पाइडरमैन है और ये हीरो स्पाइडरमैन है। तो गाइज इसके अंदर आप देख रहे हैं 4 बटन है, 1 2 3 4। अब ये मैं आपको बटन दबा के दिखाऊं, इसके अंदर से सीक्रेट एरियाज ओपन होते हैं। तो मैं ये वाला ओपन करता हूँ, तो ये देखो गाइज ये ओपन होते हैं, यहाँ से शार्पनर ओपन हो गया, यानी कि आप यहाँ से पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं और सारा कचरा यहाँ स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पर चीजें छिपा करके भी आप रख सकते हैं। अब ये वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सीक्रेट एरिया शुरू हो गया है। तो यहाँ पर भी आप जो है कॉइन्स वगैरह 5 के 10 के सिक्के और पैसे वगैरह फोल्ड करके इसके अंदर छुपा सकते हो आप लोग। और ये वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ से भी एक सीक्रेट स्पेस निकल के आ जाता है, और ये दबाएंगे तो यहाँ से भी एक सीक्रेट स्पेस निकल के आ जाता है। और यही नहीं, अभी तो कुछ सीक्रेट स्पेस इसके अंदर और भी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज इसको ऐसे ओपन करते हैं, और देखो गाइज यहाँ पर आप अपने क्रेयॉन्स पेंसिल्स वगैरह जो होती है, पेंस होते हैं, वो इसके अंदर लगा के रख सकते हो। और यहाँ पर भी आप जो है छोटी छोटी पेंसिल्स होती है, छोटे पेंस होते हैं, वो यहाँ पर आप लगा के रख सकते हो। और गाइज यहाँ पर ना 2 बटन हो रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। एक बटन तो ये है, इसको स्लाइड करेंगे ना, तो इस स्लाइड करने से ये देखो एक सीक्रेट एरिया ये ओपन हो गया, यहाँ पर भी आप चीजें छिपा करके रख सकते हो। और एक और सीक्रेट एरिया वो भी दिखा दूं आपको, ये वाला बटन दबाएंगे ना, ये वाला बटन दबाने से ये देखो यहाँ से भी एक सीक्रेट एरिया आ गया। यहाँ पर अपने जो फेवरेट पेन और पेंसिल्स हैं, न्यू पेन पेंसिल जो आप चाहते हो कोई ले ना ले, तो उनको आप यहाँ पर रख के रख सकते हो। तो ये कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। तो इसको बंद करते हैं, देखो ऐसे ना सारी चीजें इजिली स्लाइड अंदर करने से सारी बंद हो जाती है, ये देखो वाओ मजा आया ना गाइस। और यही नहीं, इसके अंदर और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसको यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, सामान रखने के लिए। और यहाँ पर अपना नेम और क्लास भी लिख सकते हो, यानी कि अगर आपका गलती से कोई ले ले या चोरी हो जाए तो आप दिखा सकते हो, भाई मेरा नाम क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरी ज्योमेट्री बॉक्स है। तो ये कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद गाइस हमारे पास स्पाइडरमैन की एक और जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है, लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंट चीज है, उसमें एक कैलकुलेटर यहाँ पर हमें मिलता है, लेकिन दूसरे वाली के अंदर जो है कैलकुलेटर हमें नहीं मिलता था। और इनका कलर और डिजाइन भी थोड़ा अलग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पूरा स्पाइडरमैन प्रिंटेड है, यहाँ पर स्पाइडरमैन के साथ साथ कैलकुलेटर भी दिया गया है। तो देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये वाली कितनी अलग है उससे ये अभी पता चल ही जाएगा। और गाइज ये देखो यहाँ पर कैलकुलेटर है, इसको ऑन करके देखते हैं काम करता है या नहीं। वाओ ये तो काम भी कर रहा है। चलो 1000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, देखते हैं क्या आता है। और ये देखो 5000 आ गया, एकदम सही इसने आंसर दिया है, यानी कि इसका कैलकुलेटर एकदम सही तरीके से जो है वर्क कर रहा है। तो गाइज मैंने जैसे कि उसमें बताया था, जैसे कि उसमें 4 बटन, तो इसमें भी 4 बटन है। तो ये बटन दबाएंगे तो ये देखो यहाँ से शार्पनर आ गया, यहाँ से भी एक सीक्रेट स्पेस ओपन हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो वही सेम है। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें जो चीजें ओपन हो रही थी वो रेड कलर की निकल रही थी, जैसे देखो इसमें रेड कलर का निकला है तो इसमें व्हाइट कलर का निकला है। तो ये वाले का मतलब थोड़ा डिजाइन और कलर जो है डिफरेंट है। तो इसको भी यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी वही चीजें आपको मिलती है, यहाँ पर अपने पेन पेंसिल लगा के रख सकते हो इन दोनों में आप, और ये वही सीक्रेट स्पेस वाला एरिया यहाँ से ओपन होता है। ये देखो गाइस ये ओपन नहीं हो रहा है, क्या हो गया, थोड़ा अटक गया लग रहा है। और ये देखो ये बटन दबाएंगे यहाँ से भी जो है एक एरिया निकल के आ जाता है। तो गाइज ये देखो ये ओपन नहीं हो रहा है, इसको बाद में ओपन करेंगे तो ये देखो वापस से सारी चीजें भी अंदर चली जाएंगी, ये देखो कुछ इस तरीके से। तो आप देख ही सकते हैं कितनी मस्त ये भी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है। इसमें कैलकुलेटर है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, और यहाँ पर भी आप चीजें रख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप अपना नेम और क्लास लिख सकते हैं। ये कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, ये सच में बहुत औसम है गाइस। और इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और ज्योमेट्री बॉक्स स्पाइडरमैन की, इसके अंदर एक सरप्राइज है। वो क्या सरप्राइज है अभी आपको ओपन करूंगा तो पता चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ देखो यहाँ स्पाइडरमैन है, यहाँ स्पाइडरमैन है, और एक कार शेप की ज्योमेट्री बॉक्स है। देखो एक किसी सुपर कार और रिमोट कंट्रोल कार की तरह ही ये नजर आती है, पर ये पूरी मेटल की बनी हुई है और टूटे वूटे की भी नहीं, अगर गिर विर गई तो टूटने वाली नहीं है जल्दी से। तो इसका सरप्राइज क्या है मैं दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस सरप्राइज है ये। इसके अंदर एक और मिनी ज्योमेट्री बॉक्स रख देखने के लिए मिल जाती है, ये देखो कितनी क्यूट है, ये भी कार स्टाइल में है। देखो इसके अंदर भी आप चीजें रख सकते हो,
कितना कितना मस्त है ना। और यही नहीं, इसके ऊपर यहाँ पर एक ट्रे दी जाती है, इसके ऊपर भी आप चीजें रख सकते हो और ट्रे के नीचे भी बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ पर भी आप चीजें जो है रख सकते हो। तो कितनी मस्त है ना गाइस, जो कार वाली सुपर रेसिंग कार वाली ज्योमेट्री बॉक्स बहुत मस्त है गाइस। इसका मैं प्राइस बता दूं, इसको मैंने 100 रुपीज में खरीदा है गाइस। और मैं इनका प्राइस बताऊं गाइस, इसको मैंने गाइस खरीदा है 350 रुपीज में और इसको खरीदा है 400 रुपीज में। तो मैंने आपको तीन चीजों के पैसे बता ही दिए हैं। अब इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे पास है स्पाइडर मैन वाली वीडियो गेम। ये देखो, इसके साथ गेमिंग बटन भी है, देखिए ऑन ऑफ क्या पॉज प्ले का है, रीसेट का है, साउंड का है, और ये कंट्रोल बटन है और ये रोटेट वाला बटन है। तो इसको देखते हैं कैसे चलाते हैं। देखो गाइस, यहाँ से हमें लगानी पड़ती है ट्रिपल ए साइज की दो बैटरीज इसमें लगती हैं, जो मैं पहले लगा रखी है। अब यहाँ से ये खोलेंगे तो ये देखो इसकी स्क्रीन ओपन हो गई, ऑन का बटन दबाते हैं, देखो ओपन ऑन हो गई है ना गाइस, कितनी बढ़िया। और देखो यहाँ से हम गेम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी हमें गेम खेलनी है। ये देखो इसमें हम कौन कौन सी गेम हमें खेलना चाहते हैं, हम गेम्स वगैरह जो सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखो कुछ इस तरीके से, और ये देखो ये गेम्स आ रही हैं 6-7, इसके अंदर टोटल 40-50 गेम होती है। हम ये कार रेसिंग वाली चलाते हैं, ये कार रेसिंग वाली शुरू हो गया गाइज। ये देखो गाइज, वाओ देखो गाइज, मैं तो जी रहा हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पर हम गेम को हार चुके हैं। गेम फिर से शुरू हो गया, वो फिर से एक्सीडेंट हो गया गाइज। कितना मस्त गेम है ना। तो ये गेम कैसा लगा आपको स्पाइडरमैन वाला कमेंट में जरूर बताएं। इसके अंदर 40-50 गेम देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये वाला गेम मैंने जो है 150 रुपीज में जो है स्टेशनरी शॉप से, वो टॉय शॉप से जो मैंने इसको खरीदा था। आपके पास भी ऐसा वीडियो गेम है तो जरूर बताना मुझे आप। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही जबरदस्त, ये देखो एक डायरी और पेन, वो भी स्पाइडरमैन वाला। ये देखो, ये आपको बहुत मजा आने वाला देखने के बाद में। ये देखो वाओ, कितना मस्त, इसके ऊपर थ्री स्पाइडरमैन प्रिंटेड है। और यहाँ पर एक देखोगे तो एक छोटा सा विलेन भी प्रिंटेड है यहाँ पर ग्रीन कलर का, ये बहुत खतरनाक विलेन है। ये वाली मूवी आपने देखी होगी। और यहाँ पर देखो वैनम है गाइस, ये देखो वैनम प्रिंटेड है। और देखो यहाँ पर पीछे जो है स्पाइडरमैन ने लिखा क्यूट लैपटॉप, ऐसा क्यों लिखा है मुझे नहीं पता। तो इसको ओपन करते हैं गाइस। ये देखो ओपन करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे पेजेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम ये वाले जो हमारा पेन है ना, इसको हम चला कर देखेंगे। देखो ये पेन ऐसे खुल जाता है और एक इसके ऊपर ऐसे लग भी जाता है। देखो ये मिनी पेन थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है ऐसा करने से। अब इसमें आप जो चाहे लिख सकते हो। देखो ये पेन बहुत ही स्मूथ चलता है, बहुत ही मस्त चलता है, ये काफी अच्छा पेन है। और मैं आपको बता दूं ये डायरी और पेन मुझे कितने का पड़ा गाइस, ये मुझे 40 रुपीज में डायरी और पेन का सेट मिल गया था। ये मिनी पेन और डायरी बहुत ही क्यूट है। आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना। चलिए इसको रख देते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखो तीन तीन स्पाइडरमैन की वॉच, 1, 2 और 3। सबसे पहले हम ये वाली ओपन करेंगे और देखते हैं कैसी वॉच है गाइज। इसका नाम है सुपर हीरो। और देखते हैं गाइज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रोजेक्शन स्विच फोकस रोटेट 6 डिफरेंट आइटम, यानी कि ये प्रोजेक्टर वॉच है और इसके अंदर 6 इमेजेस है जो कि रोटेट करने की वजह से जो है अलग अलग आप देख पाएंगे। तो देख लेते हैं इसको कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर बैटरी इसकी चार्ज है या नहीं। तो इसकी बैटरीज पहले से डेड होंगी तो ये नहीं काम कर पाएगी। तो ये देखो गाइज यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम टाइम देख सकते हैं। तो गाइज इसकी बैटरीज एकदम सही काम कर रही है, ये देखो यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। और यहाँ पर दो बटन देख रहे हो रेड कलर के छोटे छोटे, इन बटन से आप टाइम सेट कर सकते हो। और इसका जो प्रोजेक्टर का बटन है वो ये, तो इसको ऑन करने के लिए हमें ये स्ट्रिप हटानी पड़ेगी जिससे कि इसकी बैटरी एक्टिवेट हो जाए। इसके अंदर प्रोजेक्टर वॉच के लिए अलग से बैटरी लगी हुई होती है जो इसके अंदर होती है। तो गाइस ये देखो ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट दिख रही है आपको मेरे हाथ पे, ये एक प्रोजेक्टर इमेज है। और जब हम इसको दबा के रखेंगे और इसको घुमाएंगे ये वाला गियर, तो इमेजेस जो है चेंज होंगी। तो मैं आपको रूम में लाइट ऑफ करके इसकी सारी इमेजेस प्रॉपर आपको दिखा देता हूँ। तो देखो गाइज लाइट ऑफ कर दिया हमने, अब ये बटन दबाता हूँ ये वाला, और देखो गाइज यहाँ पर इमेज आने लगी है। देखो इमेज आ रही है गाइज आपने देखा, और ये देखो यहाँ पर जो गियर दिया गया ना ये वाला, इसको गोल गोल घुमाएंगे तो इमेजेस चेंज होंगी। ये देखो हम घुमाते हैं, इसमें 6 इमेजेस है, ये देखो 2, 3, 4, 5 और ये 6 दोबारा से रिपीट हो गया। तो गाइज इस तरीके से इसके अंदर आप जो है 6 इमेजेस देख पाएंगे। ये देखो प्रोजेक्टर वॉच है, काफी बढ़िया चलती है और एकदम लेजर पॉइंटर की तरह काम करते हैं। मैं दूर दूर जाऊंगा तो इमेज बहुत बड़ी हो जाएगी, और मैं पास आऊंगा तो ये इमेज छोटी हो जाएगी। देखो गाइस जितनी दूर ले जाओगे वॉच को उतनी इमेज बड़ी हो जाती है। तो ये प्रोजेक्टर वॉच कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।
गाइज ये प्रोजेक्टर वॉच मैंने 150 रुपीज में खरीदी है, ये कैसी लगी जरूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि इसके ऊपर जो फेस बना हुआ है ना स्पाइडरमैन का, इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही हमारे पास एक और वॉच है जिसके ऊपर स्पाइडरमैन का फेस बना हुआ है, तो गाइज ये भी काफी यूनिक है। तो इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप टाइम देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर भी आपको टाइम आ रहा है। लेकिन इसका फीचर है लाइट और म्यूजिक, वो कैसे, तो ये बटन दबाएंगे ना तो देखो इसके अंदर लाइट और म्यूजिक चलने लगता है, ये देखो कुछ इस तरीके से। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ रूम में। गाइज रूम में लाइट ऑफ कर दिया, अब ये बटन दबाएंगे, ये देखो कुछ इस तरीके से इसमें लाइट और म्यूजिक आता है। ये बंद करके भी आप लाइट म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो। जब आप इसको अपने हाथों में पहनोगे ना गाइज, सोचो कितनी मस्त लगेगी लाइट और म्यूजिक। आपको टाइम भी देखना हो तो इसमें आप लाइट म्यूजिक ऑन करके टाइम भी देख पाओगे। तो ये वॉच कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ, इस वॉच का प्राइस है 140 रुपीज, 140 रुपए में मैंने इसको खरीदा था। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक और स्पाइडरमैन वॉच है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया था इसका डिजाइन उन दोनों वॉचेस से थोड़ा अलग है। तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो इसमें भी आप टाइम देख सकते हैं, ये देखो ये रहा इसका टाइम, यहाँ पर देखो कितना मस्त इसके अंदर टाइम आ रहा है। और यहाँ पर इसके अंदर बहुत ही क्यूट स्पाइडरमैन भी प्रिंटेड है और पीछे से भी एकदम पूरी रेड कलर की है। और इसका भी फीचर है गाइस लाइट और म्यूजिक, ये बटन दबाएंगे तो इसमें लाइट और म्यूजिक आती है, ये देखो कुछ इस तरीके से जैसे उसमें आ रही थी सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी लाइट और म्यूजिक आपको देखने के लिए मिल जाती है। काफी प्यारा म्यूजिक और काफी प्यारी लाइट इसके अंदर जो है जलती है। ये वॉच कैसी लगी जरूर बताना। इसका प्राइस मैं आपको बता दूं, इस वॉच को मैंने 120 रुपए में जो है खरीदा था। चलिए इसको रख देते हैं। और देखो गाइस इसके बाद गाइस हमारे पास दो कीचेन है बहुत ही बढ़िया स्पाइडरमैन के, ये देखो बहुत ही प्यारे छल्ले हैं। एक में स्पाइडरमैन बेबी स्पाइडरमैन चांद के ऊपर बैठा है और एक ये स्पाइडरमैन कार्टून वाला खड़ा है, ये देखो कितने प्यारे कीचेन है। आप इसको अपने घर की चाबियों में, स्कूल बैग की चेन में, कॉलेज बैग की चेन में, स्कूटी बाइक की चाबी में, कार की चाबी में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो ये कैसा लगा आपको स्पाइडरमैन की चेन जरूर बताना। इन दोनों का प्राइस है 20-20 रुपीज। अब बारी है गाइस हमारे बेन 10 टॉयज की, यानी कि बेन 10 स्टेशनरी टॉयज की। अभी हमने स्पाइडरमैन के टॉयज सारे देख लिए, आपने पूरा देखा होगा, अब है बेन 10 की बारी। तो अब आप बेन 10 के टॉय भी देख लेना स्टेशनरी टॉयज, और एंड में बताना आपको स्पाइडरमैन के बेटर लगे या फिर बेन 10 के बेटर लगे, ये लोग आप ये चीजें आप लोग डिसाइड करोगे। तो शुरुआत कर देते हैं गाइस सबसे पहले बेन 10 वॉच से, ये देखो बेन 10 ओमनीवर्स यहाँ लिखा हुआ है। और सभी को पता है बेन 10 के हाथ में भी ऐसे वॉच होती है बहुत ही मस्त, वैसे ये भी एक वॉच है और ये एक प्रोजेक्टर वॉच है। इसमें 24 डिफरेंट इमेजेस आप जो है देख पाएंगे, ये देखो ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर 24 ग्रिड्स यहाँ लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं सच में ये काम करती है या नहीं। तो ये देखो हमने इसको निकाल लिया है बाहर और ये देखो यहाँ पर टाइम भी आ रहा है और दो ग्रीन बटन टाइम सेट करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। और इसकी बैटरी भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं स्ट्रिप हटा करके, तो ये देखो हमने स्ट्रिप हटा ली है। जब आप न्यू खरीदोगे तो उसमें भी ऐसी एक पर्ची जैसी लगी हुई आएगी, तो ये देखो ये बटन दबाएंगे ये वाला बटन ब्लैक कलर वाला, तो यहाँ पर प्रोजेक्टर इमेजेस आनी शुरू हो जाएंगी। तो देखो गाइज ये अभी तो आपको प्रॉपर नहीं दिख रही होंगी, लेकिन जब हम रूम में लाइट ऑफ कर देंगे ना तो एकदम मस्त आपको ये दिखेगी। तो लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई लाइट ऑफ हो चुकी है, अब ये ब्लैक वाला बटन दबाते हैं हम, तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो वाओ बेन 10 एलियन की इमेज आ गई, जितनी बार भी हम बटन दबाएंगे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हमें देखने के लिए मिलेंगी। ये देखो क्या खतरनाक एलियन है, ये देखो ये भी वाओ भाई कितनी बढ़िया बढ़िया इमेजेस है इसके अंदर, तो कितने खतरनाक एलियंस आ रहे हैं। देखो कैसे लग रहे हैं गाइज आपको ये एलियंस बताना मुझे कमेंट में। और इस वॉच को भी जितना पास ले जाऊंगा उतनी इमेज छोटी हो जाएगी और जितना दूर लेके जाऊंगा उतनी ही इमेज बड़ी हो जाती है। ये देखो कैसी है ना, कितनी मस्त है ना गाइज ये बेन 10 वॉच, ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलिए लाइट्स ऑन कर लेते हैं गाइज। ये वॉच हमने जो है 200 रुपीज में खरीदी है, 200 रुपीज में काफी बड़ी और हैवी वॉच है। ये देखो इससे मेरी जी शॉक वॉच से भी ये बड़ी लग रही है ना गाइज, कितनी मस्त वॉच। तो इसको रख देते हैं। और गाइज इसके बाद हमारे पास एक बेन 10 की सुपर रेसिंग मिनी कार, इसका डिजाइन देखो गाइज, पहले तो आप एकदम एलियन कार लग रही है, सुपर रेसिंग एलियन कार। ये कैसे चलेगी मैं आपको बता देता हूँ, ये पुल बैक एक्शन कार है गाइज, इसको पीछे पुल करते हैं इस तरीके से और जब हम छोड़ते हैं ना तो ये देखो बहुत तेजी से ये भागती है। तो गाइज मैं चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखो पीछे कर दिया, छोड़ता हूँ गाइज, ये देखो गाइज ने जाके वहां पर एक्सीडेंट कर दिया।
ये कार गाइस मैंने 30 रुपीज में जो है खरीदी है। तो ये बेंटन सुपर रेसिंग कार कैसी लगी जरूर बताना आप मुझे कमेंट में। और इसके बाद हमारे पास है एक बेंटन का कैप्सूल, ये देखो। अब आप सोचेंगे कैप्सूल क्या, दवाई है क्या, इसको खाएंगे क्या? नहीं गाइज, ये खाने की चीज नहीं है, ये आपके बहुत काम की चीज है और आपके पढ़ाई में भी ये बहुत काम आएगी। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले देखो बेंटन यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर बेंटन का लोगो है, कितनी मस्त लग रही है ना, ग्रीन और व्हाइट कलर की। तो गाइज हमें क्या करना है, इस कैप्सूल को ओपन करना है। हमने ओपन कर लिया, अब हम इसको झटका मारेंगे, देखो क्या होगा। ये देखो झटका मारते ही इसके अंदर से तो पेन बाहर आ गया दोस्तों, ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना पेन। अब ये वापस अंदर करना है आपको कैप्सूल से, ऐसे अंदर आपको कर देना है। ये देखो कैप्सूल बंद हो गया, छोटा सा है, आपके हाथ में भी ये गुम हो जाता है। ये देखो कुछ इस तरीके से करना है, झटका मारना है पेन बाहर और वापस से अंदर। ये कैसा लगा है जरूर बताना। ये कैप्सूल पेन का प्राइस 20 रुपीज है दोस्तों, 20 रुपीज में बहुत मस्त कैप्सूल पेन मुझे मिल गया था। इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखो बेंटन की तलवार, ये देखो कितनी खतरनाक तलवार है गाइस। यहाँ पर इसमें एक बटन दिया गया, इसको दबाते ही ना इसमें म्यूजिक और लाइट आती है बहुत मस्त। तो ये देखो मैं ऑन करता हूँ, ये देखो सुपर पावर बेंटन, ये देखो वाओ गाइस। मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाता रूम में, तभी आपको मजा आ पाएगा। लाइट ऑफ कर देता हूँ एक बार गाइस, लाइट ऑफ कर दिया, मैं बटन दबाता हूँ इसका, ये देखो वो देखो वाओ, पूरा रूम ब्लू ब्लू हो गया गाइस इससे तो। ये देखो वाओ, क्या जबरदस्त तलवार है गाइस, मजा ही आ गया इसके साथ खेलने में। तो गाइस कैसी लगी बेंटन की तलवार मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस है दोस्तों 150 रुपीज, 150 रुपए में मैंने ये तलवार खरीदी थी, तो इसको भी रख देते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास है बेंटन की 3 अलग अलग वॉच, ये देखो। एक वॉच ये है, इसके अंदर बहुत प्यार है, बेंटन प्रिंटेड है, ये देखो यहाँ भी और यहाँ भी, और इसमें भी गाइस टाइम आता है बहुत अच्छा, और ये भी लाइट म्यूजिक वाली है। ये बटन दबाता है, इसके अंदर बहुत ही प्यारा लाइट और म्यूजिक आता है, ये देखो कुछ इस तरीके से, देखो कितनी मस्त है ना गाइस। ये वॉच मैंने गाइस 120 रुपए में खरीदी थी, ये वाली बेंटन वॉच, इसको रख देते हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास एक बेंटन की कैलकुलेटर वॉच, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे बटन, ये कैलकुलेटर वाले बटन है। ये देखो ऑन का बटन दबाऊंगा ना, ये देखो कैलकुलेटर ऑन हो गया। तो इसमें हम जो है 12 को हम करते हैं मल्टीप्लाई का बटन दबा दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इसको इक्वलिटी करते देखते क्या आता है, देखो 24, ये देखो एकदम गाइस मस्त कैलकुलेटर वॉच। इसमें कैलकुलेटर भी लग देख सकते हो आप लोग, टाइम भी देख सकते हो, और कैलकुलेटर का यूज करके अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, और आप इसको अपने हाथ पे बांध पर एक कैलकुलेटर वॉच कहीं भी लेकर भी जा सकते हो, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके हाथ में कैलकुलेटर वॉच है। इस कैलकुलेटर वॉच का प्राइस है 150 रुपीज। और इसके बाद गाइस हमारे पास एक मिनी वॉच बेंटन की, ये एकदम बेंटन का फिटनेस बैंड स्टाइल की वॉच है, और यहाँ पर बहुत ही क्यूट बेंटन प्रिंटेड है, ये देखो गाइस कितनी मस्त है ना। ये वॉच मैंने जो है 100 रुपीज में खरीदी थी, ये वाली प्यारी सी बेंटन वॉच। और इसके बाद गाइस हमारे पास है 2 बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेटर वाली बेंटन पेंसिल बॉक्स, यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स। पहले हम देख लेते हैं बड़ी वाली, तो इसमें भी कैलकुलेटर दिया गया है, देखो ऑन ऑफ का बटन है, सारे बटन एकदम काम कर रहे हैं, इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर 4 बटन है, एक बटन को दबाते हैं, दूसरे को दबाते हैं, तीसरे को दबाते हैं, चौथे को दबाते हैं, ये देखो 4 स्पेस इसमें ओपन हो चुके हैं। और इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर पेन पेंसिल लगाने का स्पेस है, और यहाँ पर और भी चीजें आप रख सकते हो, ये सारी चीजें आराम से स्लाइड होकर अंदर चली जाती है, और इसको आप पीछे से खोल कर भी इसमें भी सामान यहाँ पर रख सकते हो, और यहाँ पर नेम क्लास लिख सकते हो। इसका प्राइस है 200 रुपीज। और लास्ट में गाइस हमारे पास है एक और कैलकुलेटर वाली पेंसिल बॉक्स, ये देखो इसमें कैलकुलेटर आता है, देखो इसमें भी ऑन ऑफ का बटन है, देखो सारे बटन एकदम मस्त काम कर रहे हैं, और इसमें आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। और इसका एक और फीचर बताऊं, ये आप कैलकुलेटर छुपा भी सकते हो, वो कैसे, ऐसे इसको खोलना है और ऐसे घुमाना है, कैलकुलेटर अंदर आ गया और ये देखो 3D बेंटन सामने आ गया। इस इमेज को आप हिलाओगे तो इमेज चेंज होती है, देखो इसको ऐसे हिला रहा हूं तो देखो इमेज चेंज हो रही है ना गाइस, कितनी मस्त हमारी कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री। तो गाइस यहाँ पर एक बटन है, इसको दबाएंगे ना तो यहाँ से शार्पनर ओपन हो जाता है, 2 पेंसिल शार्प कर सकते हो आप अलग अलग साइज की, और यहाँ से ओपन करके कचरा निकाल के फेंक सकते हो। चले इसको बंद कर देते हैं, ऐसे बंद हो जाती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है एक टेबल लैंप, ये देखो रात के अंधेरे में आपको पढ़ना हो या फिर ज्योमेट्री बॉक्स खोलनी हो, लाइट चली जाए तो सिंपली इसके बटन को ओपन करना है, ये देखो ऑन करना है और इसमें लाइट जल जाएगी, और इसको आप ऐसे मोड़ भी सकते हो और ऐसे
360 आप इसको कहीं पर भी लाइट को घुमा भी सकते हो, ये देखो कुछ इस तरीके से लिटा भी सकते हो, घुमा भी सकते हो। तो इसको ऑफ कर देते हैं गाइज हम लाइट को, ये हमने ऑफ कर दिया। और यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो, और इसके पीछे भी आपको बहुत बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो। सो गाइज मैंने आपको सारी की सारी बेन 10 और स्पाइडरमैन वाले जो है स्टेशनरी टॉयज दिखा दिया, आई होप आपको मजा आएगा। मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि स्पाइडरमैन विनर है या फिर बेन 10 विनर है, ये चीज आप लोग डिसाइड करोगे। वीडियो के दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी एंजॉय कर सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर दबा लेना। बाय बाय।